हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं अपनी पब्लिक, होप कर सब बढ़िया ही होंगे। सो फिलहाल के लिए गाइस आज का ब्लॉग वापस उसी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है जहां से कल हुआ था। हेलो गाइस, आज हम नहाने जा रहे हैं और आज हम ठंडे पानी से नहाने जा रहे हैं। पहली बार नहा रहे हो? कल ही पहली बार नहा रहे। सो नाउ हियर गाइस, यार अभी हम चलते हैं नहाने के लिए। वापिस कल की तरह हम वही लोकेशन दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। यार आपको पता है मुझे लाए हैं तो यार तीन चार ब्लॉग तो बनते ही हैं यहाँ के, तो चार पांच दिन यहाँ पर स्पेंड करने होते हैं, तो इसलिए दो चार ब्लॉग बन जाए तो अच्छी बात है। हमारा क्या है भाई, अपा तो खाली मौज लाने आए हैं, ठीक है। सो उसके बाद गाइस अभी चलते हैं, तो होप कि हम कल निकल जाएं यहाँ से। तो आज अपन ने पहले कल तो हमने शूट वगैरह लिया था थोड़ा बहुत, तो न्यू भजन आने वाला है तो उसके सिंक वगैरह ले लिए हैं। अभी विशु भैया और पता नहीं कहाँ पर है, तो मैं और ये भैया। हेलो गाइस, सो गाइस ये वाले भैया ना मेरे को कैमरा गिफ्ट करने वाले हैं। भैया बताओ कौन सा कैमरा गिफ्ट करने वाले? मार्क 4। आए देख रहे हो, लव यू लव यू, मिस यू साथ में आओ मेरे। सुनाओ हियर गाइस, अभी ये वाले भैया ना एक कैमरा दे रहे हैं, तो यार चेक करेंगे, उनसे कैमरा भी ले लेंगे फोटोशूट वगैरह वीडियो वीडियो के लिए, अच्छा रहेगा रील्स वगैरह के लिए। वैसे उसके लिए तो फोन भी है, देखें क्या सीन रहता है। तो गाइस मिलते हैं आपको सीधे आगे जाके। सो नाउ हियर गाइस, यार अभी हमने नहा लिया, तो उसके बाद गाइस मान हमने ये उठा लिया, तो पीछे आप चेक करो हम यहाँ पर नहाए थे, चेक करो गाइस। ओए शटू क्या हाल है। सो गाइस यार ये देखो नीचे पानी, चेक करो इधर इतना ठंडा पानी है ना। हेलो गाइस, क्या बताऊँ आपको, मजा आ गया कसम से। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सुनाओ हेयर गाइस, यार अभी शाम के बज रहे हैं 5:30, तो यार 4:30 बजे की सीढ़ी ऊपर आ गई है, तो ऊपर इस टाइम पे बहुत सारा रश हो गया। चलो यार चलते हैं ऊपर, ऊपर जाके देखते हैं। बहुत सारा क्राउड है यार, यहाँ से आप चेक करवाता हूँ, चेक कर लेना। सो अभी ना जो आप शॉर्ट्स देख रहे हो ना, इनमें मैं ना सिर्फ साउंड ही लगाऊंगा पीछे, क्योंकि बैकग्राउंड में ना यार म्यूजिक बजता है, उसकी वजह से ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, जहाँ तो कई बार स्ट्राइक भी आ जाती है बहुत बारी, तो इसे चेक करो गाइस। यार गाइस हम आगे फिर से, जल्दी गाइस हम आगे फिर से। सुनाओ हेयर गाइस, यार अभी ना हम जा रहे हैं मोमोज खाने, मैं विशु भैया और अमन। तो यार आज ना पूरे दिन हम सोए रहे हैं, ठीक है। आज हम मुझे माता की गली दिखाएंगे, तो मैं जिन गलियों की बात करता कि गली जो है और ये ऊपर मंदिर है जिस गली की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे मैंने अपनी आंखों से दो तीन लेडीज को देखा। क्या कर रही थी लेडीज, क्या करते हैं, फ्रेश हो रही थी यहाँ गली में। हाँ भाई मंदिर ऊपर है यहाँ पे, इधर 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 कहाँ कहाँ बताऊँ तेरे को मैं। ओ भाई गाइस क्या सुन रहे हैं हम अपने मुंह से, ये मुंह से मेरे मुंह से सुन रहे हैं। हाँ आपके कान, हमारे कान से आपके मुंह से। बदमाश है यार, चुप करो। भूपा बदमाश है, भूपा मारेगा, मारूंगा नहीं, सिक्का चलता। सो यार चलते हैं अभी मोमोज खाने, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ओ हेयर गाइस अभी चेक करो हम आ गए यहाँ पर, बस ज्यादा नहीं, क्या खिलाओगे आप, क्या क्या खिलाओगे, क्या खिलाओगे आप, मोमोज खाएंगे यार और क्या खाएंगे। सो गाइस अभी हम खाने वाले हैं मोमोज। दादी कहाँ जा रहे हो, ये काट के दूं, दादी पैसे दे रहे हैं चप्पल मार मार के। दादी जाओ आप, हम दे देंगे, जाओ जाओ जाओ। ये मिस्टी क्या कर रही है, ये ले जा पैसे, ये ले ले जा,
देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो डरा रही दादी बाय लव यू मार रहे हैं आओ दादी फिर आप भी आओ हम खाते नहीं जाना आ जाओ यार हम कभी नहीं खाते मेरे हिस्से के सारे जने एक एक खा लेना जितने बैठे हो चारों जने खा लेना मेरे हिस्से के एक एक मोमो आओ आओ आ जाओ अभी ना विशु भैया लिली लगाने वाले हैं विशु लगाओ एल आई डबल एल बाय लिली विशु भैया अब एक बात पूछूं ये पैकेट में इतनी ज्यादा हवा क्यों है ब्रदर ये है हाई अल्टीट्यूड की वजह से होता है मजा शेर यार तुम्हारे सर हम जब लद्दाख गया था ना तब भी ऐसा ये पूरा ये इसकी जो है ना पैकिंग कहीं ना कहीं से ये लीक होगा इसकी वजह से ये यार एक लीक होना चाहिए फिर सारे लीक हैं यार देखना ऑलमोस्ट सभी के सभी फूले हुए हैं नहीं यार ये देखो ना ये पिचके हुए हैं भैया मैं बताता हूँ आपको पता क्यों फूले हैं भैया देखो कंपनी ना दोगलापन कर रही है सोच रही है हवा ज्यादा भरने से ना लोगों को लगेगा इसके अंदर ज्यादा है हमारी टिप्पणी ये चल रही थी कि भाई फिल्टर वाला पानी या नेचुरल पानी देखो पहाड़ों की बात ये है कि पहाड़ों में आपको नेचुरल पानी जो है काफी हैवी होता है मिनरल्स रहते हैं उसमें जो शहर वाले नेचुरल पानी मतलब जो पाइपों के थ्रू आते हैं वो पुराने होते हैं स्टोर किए होते हैं उनमें कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है तो वो इतने सेफ नहीं होते हैं इसलिए बोल रहे कि हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी को स्टोन है तो वो है नॉर्मल पानी जो जैसे पाइपिंग वगैरह जो भी होता है उसका सिस्टम है ना इधर वाला वो सिस्टम नहीं इधर तुम पी सकते हो जो भी है बट अमन वाली बात बताओ अमन वाली बात उसी पे आ रहा था एक ने बोला नहीं उसी पे आ रहा था अमन जी कहते हैं कि पानी में सोडियम है सोडियम क्या होता है वो था मैंने कुछ बोला ही नहीं भाई सोडियम के लेटड़ी ऐसी गप बना रहे अमन की एक बड़ी अच्छी बात अमन की एक ये अच्छी बात है कि जब बंदा बोल रहा है ना कि यार ये मेयोनीज जो है बड़ी टेस्टी है अमन ने खाई नहीं होगी भैया मम्मी की कसम इतनी टेस्टी थी ना मजा ही आ गया अब इधर बोलो इसको खट्टा खाने का मन कर रहा सुनाओ गाइस अभी हमने मोमोज खा लिए तो अभी इसको खट्टा मेरे भी दिमाग में यही आ रहा था तो यार अमन को ना कल से खट्टा खाने का मन कर रहा है कल रात से अमन क्यों यार ऐसा क्यों भैया दीदी कौन है चाउमीन मिलेंगे बिल्कुल मिलेगा मिल जाएंगे क्या प्लेट ना 80 जी दो प्लेट लगा दो ठीक है पैसे पैसे आपको हम अभी दे दें या बाद में अभी दे दें पेमेंट पहले करें बाद में खाने के बाद अमन क्या हुआ सलाटा सुनाओ यार गाइस वापस आ गया सो यार अभी ना हमने मोमोज एक प्लेट और खाए पांच प्लेट मोमो हो गए पांच प्लेट पूरे खाए एक प्लेट अभी खाए चार पहले खाए वो बता रहा था आपने पहले बार टोक दी तो अभी ना अमन बोल रहा है कि मेरी बस हो गई है अब इसको जाना पड़ेगा गाइस समझ गए अमन मैंने पहले बोला तेरे को सर आ जाओ जैन सर तो अभी अमन को जाना है अमन बोल मैंने इसको बोला अमन कम खा अमन बोलता कोई चक्कर नहीं मैनेज कर लूंगा अमन क्या तो वेलकम बैक तो यार अभी ना गाइस सुबह के बज रहे हैं 8:30 यार अभी हम आए थे नहाने के लिए हमने नहा लिया तो उसी अब रख रहे हैं तो उसके बाद ये भी नहा लेंगे तो गाइस उसके बाद हम निकल जाना यार निकल कुछ जाना गाइस यार अभी ना हमने नहा नहीं के आ गया तो यहाँ पर चल रहा है क्या चल रहा है अच्छा माता की वो चल रही है ना परंपरा जो होती है सब कुछ चल रहा है यहाँ पर चेक करो दर्शन ही बोले यार अभी आप चेक करो यार सुबह का टाइम है सो देख सकते हो आप यहाँ पर अपना मंदिर कितना सुंदर लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बता देना यार अभी टाइम हो गया निकलने का तो बाय बाय करते हो माता रानी बाय बाय अगली बारी आएंगे आपके दरबार में ठीक है सो यहाँ से निकलने का टाइम है हाँ भैया गाइस ये बंदा जानते हो आप इसको ये
ये वही बंदा गाइस, अबे तू क्या ब्लॉग करेगा। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, माता रानी बाय बाय। तो गाइस मिलते हैं आपने से, चेक करो गाइस। क्या कर रहे हो? अभी हम पहुंचे कुछ इस तरीके की लोकेशन पे, तो आप चेक करो नीचे देखो कितनी बड़ी खाई है। अगर भाई यहाँ से पैर फिसला ना सीधे नीचे बचेंगे भी नहीं। क्या वो गाइस एक बात बताऊं यार, मुश्किल मुश्किल बहुत है क्योंकि यार ढलान के साथ साथ चढ़ाई भी है, मतलब आगे चढ़ाई है। घर आज बैठ मिला लीजिए ठीक है, सामने चेक करो। अच्छा व्यू है यहाँ का है ना, चेक करो आदि बच्ची हो। यार फाइनली गाइस अभी हम पहुंचे कुछ इस तरीके की लोकेशन पे, सामने आप चेकआउट करो यार, और यहाँ फोटोशूट चल रहा है, और ये चीज चेक करो आप, एक नंबर मेरे भाई एक नंबर। इसको बोलते हैं ना फुल पावर वाले फोटो आ रहे हैं कसरे यहाँ पर, बट अफसोस की बात यह है कि मैंने एक नहीं खाया ठीक है। हवा इतनी चल रही है, बाल देख जाओ कैसे उड़ रहे हैं, और सामने देखो बर्फ। सिर्फ पेड़ की वादियाँ वादियाँ, और ये बंदा ऐसा है ना गाइस, जानते हो इसको? जानते हो इसको? ये बंदा वही है जिसने आज से जिसने आज से 7 महीने पहले इसके सामने और करण भैया के सामने और सारों के सामने मेरे को बोलेगा बोला था अबे नहीं ऐसे ऐसे करके मैं अभी बताऊंगा वीडियो ऐसे करके, अरे तू क्या ब्लॉग करेगा। अभी हम पहुंचे हैं कुछ चशोती में, सामने चेक करो, ये चशोती की मार्केट है, छोटी सी है मार्केट, चेक करो। सुनाओ हेयर गाइस, अभी हम पहुंचे कुछ इस तरीके की लोकेशन पे, तो आप लोकेशन चेक कर सकते हो। भैया कौन सी लोकेशन पे पहुंचे हैं? हम पहुंचे अभी जशोती में। जशोती में किस नाम से पुकारा जाता है इसको? जशोती। जशोती क्या है यहाँ पर बताओ? जशोती वाला पुल हिल था, पर पुल कहाँ है? पुल आजकल वो दूसरी साइड रह गया ना आजकल यार। अभी तो नीचे से ना हम देखो चढ़ाई चढ़ के आए हैं, और यहाँ से ढलान देखो, और यहाँ से नीचे देखो भाई बहुत मुश्किल है। ये देखो ये रास्ता गाड़ियों के लिए बना रहे हैं, बट यहाँ गाड़ियाँ आएंगी कैसे देख रहे हो? ओ भाई खत्म, कुछ चढ़ाई है ऐसी ना, कैसे मिट्टी देख रहा कितनी स्लिपरी है, बड़ी गंदी वाली। हम इस तरीके की लोकेशन पे पहुंचे हैं, तो यार हमारे पिट्ठू वाले ये दो बैग ही हैं हमारे, और एक ये है। और गाइस आप यहाँ से चढ़ाई चेक करो यार, किस कितनी बुरी तरीके वाली चढ़ाई है। गाइस एक बात बताओ, यहाँ से गाड़ियाँ चढ़ेंगी कैसे और उतरेंगी कैसे? आप ऐसे आपको ऐसे लग रहा है ना, आप इधर से देखो ऐसे करके देखो, देख रहे हो भाई बहुत मुश्किल है। बालों की कंडीशन ख़राब हो गई क्योंकि इस टाइम पे धूल बहुत ज़्यादा है इधर, और उस चीज़ को इग्नोर कर दो। और यार कसम से पैदल तो बहुत मुश्किल है, चलो करना तो है। ऊपर देखो भाई इतने बड़े बड़े पहाड़ है ना, कसम से ना कभी जाए इस रास्ते में बाइक लेके आना हो ना भाई, बाइक की तजवी उड़ गई। सर अभी भैया एक बात बता रहे हैं हमें, जब इस रोड की ड्रिलिंग हो रही थी ना, ड्रिलिंग हो रही थी इस टाइम पे, तो यार यहाँ से ना 4 लड़के नीचे गिर के मरे थे, पता है आपको? यहाँ से नीचे डायरेक्ट दरिया में, और जिस वाली मशीन से वो गिरे थे ना, जेसीबी थी चाय से ड्रिल कर रही थी वो मशीन भी यहाँ ही लगी अभी। रोड बहुत डेंजरस है कसम से, गाड़ी लाना तो यहाँ पर मौत के समान है, देख लो नीचे। इसके साथ की थी? अच्छा जब वो गिरे थे गाइस, इसके साथ ही ड्रिलिंग हुई है जब वो बंदे गिरे थे ना नीचे, और जेसीबी वो ऊपर लगी है जो। सुनाओ गाइस अभी हम पहुंच गए कुंडेल पे, तो यार यहाँ पर ना झरने के साथ साथ में ना पानी की फुहार पड़ती है यार, आपकी कसम गाइस इतना मजा आ रहा है ना। आहा गाइस पुल चेक करो यार, पुल देखो
और ये वही जेसीबी है गाइस जिसके ऊपर से बंदे चार बंदे गिर के मरे हैं। माय गॉड गाइस जन्नत है, ऐसे लग रहा है ऊपर से बर्फ पड़ रही है कसम से। हाँ हाँ ऊपर देखो वो मैं नहीं जाने वाला यार यहाँ से, मजा आ गया। और ये चेक करो सच मानो तो गाइस मेरा मुंह देखो पूरा गिला हो गया। ओए ऐसे लग रहा है दरिया के ऊपर से जा रहा हूँ मैं। ओ भाई देखो कैमरा गिला हो गया कैसे। हाँ हाँ मजा आ गया कसम से। फिर गाइस अभी हम पहुंच गए हैं कुंडेल में, तो अभी हम यहाँ से लेंगे गाड़ी। कौन सी वाली लेंगे, हम लेंगे कौन सी वाली लेने वाले हैं? लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी कौन सी वाली, वो जो नीचे खड़ी हुई है मर्सिडीज लेंगे। भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जहाँ तो वो दे दो, वो जो सामने लगा गाइस जहाँ वो दे दो, जहाँ जो वो पीछे मिट्टी में लगा हुआ है जहाँ वो जहाँ वो दे दो मेरे को बस। ऐसा कर ले ट्रैक टायर वाला ऑटो नहीं सॉरी बाइक सुनो ना, फिर पुरानी स्प्लेंडर देखते हैं ना उसके जैसे बगड़ियों में लगाया होता है पीछे दो टायर और रेड़ा लगाया होता है बस। तो गाड़ी में तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। चेक कर रहे हो इधर देखो मजा विशुया क्या लग रहा है आपको? नो वर्ड्स गाइस इतना मजा आ रहा है ना एक नंबर। सुनाओ हेयर गाइस यार अभी ना इधर गाड़ी रुकी हुई है तो मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल का मजा लेने के लिए। यार ऊपर धूप बहुत ज्यादा थी तो इसलिए ना मैंने इसलिए ना मैं इसके कॉलर ऊपर कर दिए थे। तो अभी हमारी गाड़ी पीछे रुकी है, हमें गाड़ी मिल नहीं रही थी एक्चुअली। चक्कर क्या है कि गाड़ियों में ना ऐसे अलग सा ही सिस्टम हो गया। तो यार मैं आपको वाटरफॉल चेक करवाने के लिए लेके आया हूँ, अभी आप ये चीज़ चेक करो। गाड़ी मतलब क्यों रुकी है आई डोंट नो, रियली डोंट नो। बट यार उधर से भी आ गई इधर से भी आ गई, बस अब गाड़ियों कम चोर लग गया, मतलब कि गाड़ियाँ फंस गई निकल गई। जाने दो नहीं। अरे भाई चलने के लिए चलना होता तो वो वाली गाड़ी जरूरी हमने करनी थी स्पेशल। बंदे बोलते हैं कि यार टाटा मोबाइल करते हैं उसमें ज़्यादा मजा आएगा, गाने गाने गाते जाएंगे। यार यहाँ पर आप चेक करो ये फुहार बढ़ रही है पानी की। आ हाँ मज़ा आ गया कसम से, बट पानी तेज है देखो। यार गाइस यार गाड़ी फंस गई है क्योंकि ओवरलोड हो गया, बंदे देख रहे हो ऊपर कितने हैं ये देखो गाइस। ऐसी जर्नी भी करनी चाहिए यार लाइफ में ठीक है। और देखो और धक्के की नहीं है जरूरत। ओ भाई ये होता है मजा ठीक है, रूट का जर्नी का ट्रैवलिंग भाई हम भी है। फिर गाइस अभी आप चेक करो अभी हम पहुंचे हैं गुलाबगढ़ में। सो यार वो जो वहाँ से है वहाँ हेलीकॉप्टर बैठता ना यहाँ पर कहीं ये बस स्टैंड है और वहाँ पर हमारी गाड़ी लगी है। सो चलते हैं यार वो निकालते गाड़ी वहाँ से, मिलते हैं आपको सीधे गाड़ी के पास है।